एक अनार सौ बीमार, फायदे इसके बेशुमार, खाने से इसको चेहरे पर आए बहार और दिल को मिले करार और बीमारियों को ये करे फरार। दोस्तों इसको छीलने में कभी भी उलझन महसूस ना करें क्योंकि इसमें हीरे जैसे फवायद छुपे हुए हैं। अनार की दोस्तों दरअसल तीन किस्में होती हैं, खट्टा मीठा और खट्टा मीठा। दोस्तों माजी में अनार को मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है बहुत ज्यादा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको अनार के पांच वो बड़े फायदे बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल की बीमारियों में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है, यानी कि आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं अगर तो आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात पाई जाती हैं जिन ना सिर्फ हमारे खुलियात को नुकसान से बचाता है बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी बहुत ही मुफीद है। यानी कि अगर तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी दोस्तों डाउन कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। दोस्तों एक तहकीक के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को 2 हफ्तों तक अनार का जूस का 1 गिलास सुबह सवेरे पिलाया गया, 2 हफ्तों बाद देखा गया कि उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी थी। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं है। ये दिल में खून के बहाव को दोस्तों प्रॉपर बेहतर करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। दोस्तों हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। एक तहकीक से पता चला कि अनार के जूस के इस्तेमाल से हड्डियों के नुकसान से बचा जा सकता है। अनार का जूस और अनार का बीज लड़के हो चाहे लड़कियों हो चाहे उनकी उम्र जितनी भी हो अगर ये दोनों इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये एथलेटिक कारगर्दगी को बेहतर बनाता है। अगर तो आप गेम खेलने वालों में से हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट चाहे जो भी गेम दोस्तों आप खेलते हैं और आपका स्टैमिना इतना कम है कि आप थक जाते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। क्योंकि ये दोस्तों रिसर्च से साबित है कि जिन अफराद ने गेम खेलने से पहले क्रिकेट खेलने से पहले अनार का जूस पिया था तो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना देखने में मिला बजाय दूसरों के जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। सोजिश की खसूसियात के लिए अनार बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट सरगर्मी 3 गुना ज़्यादा होती है सुर्ख शराब और सब्ज चाय के मुकाबले में। दोस्तों इनसे फायदेमंद सोजिश की तौक़ात करना दोस्तों मुनासिब रहेगा। ये दोस्तों छाती के कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों जिन अफराद में खून की कमी है अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट ये खून की कमी के अलावा याददाश्त को बेहतर करने में भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि हाफजे की कमजोरी के लिए वो अफराद जिनको अगर घर से कोई काम कहा जाए तो बाहर वो जाते हैं उनको भूल जाता है कि यार मुझे क्या काम कहा गया था, और वो स्टूडेंट जो सबक तो याद करते हैं याद भी हो जाता है वक्ती टाइम के लिए और बाद में उनको भूल जाता है, तो उनके लिए ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हाफजे की कमजोरी को प्रॉपर टारगेट करता है।